2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा ने जीत दर्ज की। जनता दल यू का साथ था और इस समय जदयू भाजपा के सामने खड़ी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि राज्य में 14.26% आबादी यादवों की है। अब जब चुनाव सामने है तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी आबादी का साथ भाजपा के बिहार में विकास के लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में जब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान दी गई तभी ये मान लिया गया था कि भाजपा का निशाना बिहार पर है। अब मोहन यादव को पटना बुलाया गया है। बुलाया भाजपा ने नहीं, लेकिन तैयारी पार्टी की ही है। मोहन यादव के सीएम बनने पर राजद ने उन्हें लालू के सामने कुछ भी नहीं माना था, लेकिन अब उनके पटना आने की बात से लालू के माय समीकरण की चर्चा चरम पर है। भाजपा मिशन वाई यानी यादव लॉन्च करने जा रही है और राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो 14.26% आबादी वाले राज्य में भाजपा मिशन वाई लॉन्च करने जा रही है। बिहार भाजपा की पूरी टीम इसकी तैयारी में भी जुट गई है। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से श्री कृष्ण चेतना मंच के बैनर तले एसके मेमोरियल हॉल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन किया जाएगा। इसमें समाज के कई बड़े नेता रिटायर्ड अधिकारी सम्मिलित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय और इस्कॉन मंदिर भी पहुंचेंगे। वोट बैंक की अगर बात करें तो आज भी यादवों को राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर माना जाता है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उससे ये साफ हो गया कि भले ही भाजपा नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव जैसे बड़े नेताओं को आगे बढ़ाकर बिहार में अपना वर्चस्व पाना चाहती है और यादव वोटर्स अपनी तरफ करना चाहती है। नित्यानंद राय को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन यादव वोट बैंक पर लालू यादव ही पकड़ लगातार बनाए हुए हैं। अब राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि राजद की सरकार में यादव जाति को काफी लाभ मिला है। लालू प्रसाद के शासन के वक्त यादव जाति आगे भी आई, इनकी आर्थिक और राजनीतिक हालात में सुधार भी देखने को मिला। इस वजह से आज भी बिहार में यादव राजद के साथ ही जाते हैं। एमपी में मोहन यादव जब सीएम बनाए गए तो बिहार की मीडिया ने तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा था और तब उन्होंने कहा था कि यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं, यादव को सम्मान मिलना अच्छी बात है। हालांकि राजद विधायक ने यह भी कहा कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। राजद नेताओं ने दावा किया कि बिहार में आज भी लालू प्रसाद यादव ही सर्वमान्य हैं। बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी और तब नीतीश कुमार की जदयू भाजपा के साथ थी, वही राजद को महज एक सीट पर ही जीत मिली। इसके ठीक करीब एक साल बाद ही विधानसभा चुनाव में राजद को 75 सीटें मिल गई, वही भाजपा को 74 सीट। कुछ महीने बाद AIMIM के 4 विधायक राजद में चले गए और इस तरह राजद के कुल 79 विधायक हो गए। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव में यादव वोट बैंक किस ओर झुकेगा, लेकिन नजर सभी की एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस दौरे पर बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।